हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मावल बॉर्डर से बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के वाहनों को किया वापस, गुजरात पुलिस ने मावल सरहद से किया रिटर्न। मावल बॉर्डर पर आज गुजरात पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, राजस्थान से गुजरात जाने वाले वाहनों को रोक दिया, बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के पहुंचे वाहनों को वापस रिटर्न कर दिया गया। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वाले वाहनों को ही गुजरात में प्रवेश करने की इजाजत दी गई। जांच कार्रवाई के दौरान बॉर्डर पर वाहनों की कतारें लग गई। बिना कोरोना रिपोर्ट के लंबी दूरी तय कर पहुंचे यात्री मजदार में फंसे नजर आए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के चलते सरकार की ओर से बॉर्डर पर पुलिसकर्मी व कार्मिक तैनात किए गए हैं, जो अन्य प्रदेशों से आने वाले वाहनों में सवार यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट लाने व नहीं लाने वाले यात्रियों का रजिस्टर में इंदराज किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच गुरुवार को अचानक गुजरात पुलिस मावल रोड पर पहुंची, राजस्थान से गुजरात जाने वाले वाहनों को रोक दिया, बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के पहुंचे वाहनों को गुजरात में प्रवेश नहीं करने दिया गया, वहां से उन्हें वापस रिटर्न कर दिया गया। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वाले वाहनों को ही गुजरात में प्रवेश करने की इजाजत दी गई। जांच के दौरान वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। लंबी दूरी तय कर पहुंचे यात्री पुलिस कर्मियों से निवेदन करते रहे, लेकिन उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। यात्रियों ने गुजरात सरकार की ओर से अचानक बिना पूर्व सूचना के की गई कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया, इसे असंवैधानिक बताया। फिलहाल मावल सरहद पर गुजरात पुलिस मोर्चा संभाले हुए है। कोरोना नेगेटिव वाले वाहनों को ही गुजरात में जाने की इजाजत दी जा रही है। जागरूक टीवी के लिए अबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।